प्रदेश सरकार जहां शासन प्रशासन के फिजूल खर्ची से बचने के लिए बात कर रही है, तो वहीं नगर निगम गोरखपुर ने से महाराजगंज जाने वाले रोड पर स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने पौधरोपण के लिए ट्री गार्ड यानी कि पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगा दी है। यह रोड पर फोर लेन बनने के लिए पास हुआ है और कुछ ही दिनों में फोर लेन का काम शुरू होने वाला है। तब ना पौधे ही रहेंगे और ना ही ट्री गार्ड रहेगा। इसको आप नगर निगम की हड़बड़ी समझिए या धनों का बंदरबाट। राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदार इस तरीके से धनों की हो रही बंदरबाट की बात के खिलाफ मीडिया के माध्यम से अपनी बात कर नगर निगम प्रशासन को पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदार दयाशंकर गुप्ता, अजय गुप्ता और विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा, शंकर गुप्ता, राप्ती कॉम्प्लेक्स। ये जो शेड लगा हुआ है वृक्षारोपण के लिए, इसको कहीं और पिपराइज रोड पे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे फोर लेन पास है और बहुत ही शीघ्र ही यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। तो इस चीज़ को कहीं और उस छोर पे या कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ लगाया जाए, हम लोगों का यही कहना है। अजय गुप्ता, राप्ती कॉम्प्लेक्स। नगर निगम द्वारा जो ये कार्य हो रहा है, ये सरासर जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और नगर निगम से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि इस कार्य को रुकवा करके कहीं ऐसे जगह लगाया जाए जहां पे इसका उपयोग हो सके, क्योंकि ये फोर लेन में पास है और रोड का कार्य चल रहा है और अतिशीघ्र इधर भी कार्य पूरा होना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कोई फ़ायदा इसका है नहीं, जनता की पैसा बर्बाद हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इसका कार्य जो है रोक करके कहीं अच्छे जगह इसका उपयोग किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का संयोजक हूँ मैं। असुरन राप्ती कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये शेड लगाया गया है। इसके विषय में बताना है कि ये रोड फोर लेन में पास है और जल्दी इस पर शीघ्र ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग यहाँ क्यों किया जा रहा है जो कुछ दिन बाद ही टूट के उखाड़ दिया जाएगा। इस यहाँ लगाने की आवश्यकता है इसको बगल में पिपराइज रोड पर लगाया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अन्य किसी जगह पर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर दो महीने बाद जब निर्माण कार्य शुरू होगा, एक महीने के बाद जब भी शुरू हो जाए तो अभी इसको तुरंत हटा दिया जाएगा, ना पेड़ बचेंगे ना ये शेड बचेगा। ऐसी जगह पर सरकार के पैसे के दुरुपयोग को रोकने की हमारी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, और इसको रुकवाया जाए।